हेलो एवरीवन वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट आज हमारी सी लैंग्वेज की क्लास ट्वेंटी एट है रिटर्न एंड एरे को हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लासेस में हम रिटर्न एंड एरे कर चुके हैं आज हम रिटर्न एंड एरे को ही कंटिन्यू करेंगे और एरेज़ की क्लास जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं और जो स्टूडेंट्स रिटर्न एंड एरे देख रहे हैं उनको सबसे पहले एरेज़ का बेसिक पता होना चाहिए तभी आपको रिटर्न एंड एरे समझ आएगा और मैंने सी लैंग्वेज की क्लास वन से बेसिक्स डाल रखा है, है कि हम सिंटेक्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम कैसे बनाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप शुरू की क्लासेस देखेंगे तो आपको सी लैंग्वेज का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा राइट right? चलो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं रिटर्न एन एरे से ठीक right है देयर आर थ्री थिंग राइट वेज ऑफ रिटर्निंग एन एरे टू अ फंक्शन थ्री वेज हैं कौन कौन से यूजिंग डायनामिकली एलोकेटेड एरे यूजिंग स्टैटिक एरे एंड यूजिंग स्ट्रक्चर ठीक है तो हम लास्ट क्लास में डायनामिकली एलोकेटेड एरे को कर चुके हैं जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस के आने वाले न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे डायनामिकली एलोकेटेड एरे का मतलब क्या है कि डायनामिकली एलोकेट करना मतलब यूज़र अपने आप डालेगा हमने इसमें मेमरी uh, uh, हमने अलग से नहीं देनी इसमें डायनामिकली मेमरी हमारी क्रिएट होगी एलोकेट करेंगे हम एरे को स्टैटिक एरे में हमने उनका साइज देना होता है डायनामिकली और जितना हमने एरे का हमने मेमोरी दी है जितने भी हमने एलिमेंट स्टोर करवाना है वो डायनामिकली स्टोर हो डनामिकली मतलब वैल्यूज उनकी चेंज होती रहेगी स्टैटिक में क्या होता है स्टैटिक में हमारी वैल्यूज एरे की चेंज नहीं होती राइट अब यूजिंग स्टैटिक एरे का प्रोग्राम देखो प्रोग्राम देख के आपको और अच्छे से समझ आएगा प्रोग्राम क्या है यूजिंग सबसे पहले हमने क्या किया फाइल इंक्लूड की एस टी डी आई ओ डॉट एच हम जब भी कोई भी अपना सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं हम अपना प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन कौन सा होता है हमारा void मेन void का मतलब क्या होता है कि जो हमारी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता और इंट मेन क्या होता है कि वो हमारे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा राइट right? तो हमारा ये हमने हाइड्रोफाइल बनाई हैश इंक्लूड एस डी आई यू डॉट एच और इंट मेन हमने फंक्शन बनाया एक इंट एस्ट्रिक गेट गेटेरे भी फंक्शन बनाया पर हमारा प्रोग्राम कहाँ सा स्टार्ट जो स्टार्ट होएगा मेन फंक्शन से तो इंट मेन हमने फंक्शन बनाया ब्रेक ब्रेसेज स्टार्ट इंट एस्ट्रिक पॉइंटर इंट एस्ट्रिक पॉइंटर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ हमने पॉइंटर क्रिएट किया आ, क्या एस्ट्रिक पी टी आर एस्ट्रिक का मतलब क्या है वैल्यू एस्ट्रिक का क्या मतलब है वैल्यू राइट right? uh, फिर पी टी आर इजिकल्स टू गैट एरे गैटेरे मतलब कि यहाँ हमने गैट एरे को यहाँ हमने गैट एरे का फंक्शन बनाया गैट एरे को हमने फंक्शन को यहाँ कॉल कर लिया जो भी गैट एरे की वैल्यू आएगी वो हमारी किस में स्टोर होएगी वो हमारी पी टी आर में वेरिएबल में स्टोर होएगी जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था राइट right? यानी कि उसकी वैल्यू स्टोर होएगी तो हमने यहाँ गैट एरे को कॉल किया एरे को कॉल किया ये उस एरे पे आ गया फंक्शन पे आ गया एंड एस्ट्रिक गैट एरे यहाँ हमने एस्ट्रिक पी टी आर बनाया था तो एस्ट्रिक ही हम गैट एरे बनाएंगे राइट right? फिर इसमें हमने ब्रेसिस स्टार्ट करी फिर स्टैटिक हमने स्टैटिक एरे क्रिएट करने यूजिंग स्टैटिक एरे हम कैसे एरे को रिटर्न करते हैं तो इसलिए हमने यहाँ स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए आर आर ब्रेसिस में लिखा सेवन प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट्स इन एन एरे एंटर द एलिमेंट्स इन एन एरे हम एंटर करवाएंगे यूजर से क्या है फोर आई इन टाईस टू जीरो आई लेस देन सेवन आई प्लस प्लस यानी कि जीरो से लेके सेवन तक नहीं चलेगा लेस देन सेवन है मतलब सिक्स तक चलेगा एरे कहाँ से स्टार्ट होएगा ज़ीरो से और चलेगा कहाँ तक सिक्स तक सिक्स तक चलेगा तो कितने एलिमेंट्स स्टोर हुए टोटल सेवन एलिमेंट्स हमारे स्टोर होएंगे एरे में तो स्कैन करवाया एन परसेंट ए आई आई एन परसेंट का मतलब होता है एड्रेस क्या होता है एड्रेस ठीक है एड्रेस ऑफ ए आर आर ब्रेसेस में आई मतलब जीरो पे चलेगा पहले ज़ीरो चलेगा जीरो में जो भी हमने एंटर किया एलिमेंट जो भी यूजर ने एंटर किया वो स्टोर हो जाएगा सपोज टेन फिर वन पे फिर टू पे फिर थ्री पे ऐसे चलता रहेगा कब तक चलेगा सिक्स तक चलेगा उतने एलिमेंट्स स्टोर करवा लिए और रिटर्न कर दिया ए आर आर यही वाला एरे हमने रिटर्न कर लिया रिटर्न करके ये वाला कहाँ चला जाएगा पी टी आर वेरिएबल में चला जाएगा पी टी आर वेरिएबल में ये वैल्यूज चली गई तो एले फिर प्रिंट एफ हमने चलाया एंड एलिमेंट्स दैट यू हैव एंटर्ड आर स्लैश एन क्यों लगाया क्योंकि जब ये वाली प्रिंट होएगी लाइन तो इससे नेक्स्ट लाइन पे आए इसलिए हमने स्लैश एन लगाया एलिमेंट्स दैट यू हैव एंटर्ड आर जो भी हमने इसमें एरे में एलिमेंट्स एंटर किए थे वो यहाँ हमारे क्या होंगे प्रिंट होंगे एक हमने फोर लूप लगाया स्कैन करने के लिए जो यूज़र ने आ, एंटर किए थे एलिमेंट्स और उसके बाद हमने उन एलिमेंट्स को जो यूजर ने एंटर किए हैं वो एलिमेंट्स हमने प्रिंट भी करवाने हैं ना तो प्रिंट करवाने के लिए भी हमने एक अलग फोर लूप लगाया फोर इन आई इक्व टू ज़ीरो आई लेस दैन सेवन आई प्लस प्लस सेम लूप है दोनों की बस इसमें हमने स्कैन करवाया इसमें हमने प्रिंट एफ करवाया इसमें हमने ए आर आर हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था सेवन का एरे ए डिक्लेयर किया था इसलिए हमने ए आर आर को स्कैन करवाया इधर हमने क्या किया हुआ पी टी आर को डिक्लेयर किया हुआ है इसलिए पी टी आर को यहाँ हमने प्रिंट करवाया राइट right, स्कैन करने के लिए हम क्या लेते हैं एन परसेंट लेते हैं प्रिंट करने के लिए हम सीधा वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो पी टी आर स्टार्ट आए जीरो में जो भी वैल्यू यूज़र ने स्टोर की होगी वो आएगी फिर वन में जो वैल्यू स्टोर की होगी वो आएगी टू तो में जो वैल्यू स्टोर की होगी वो आएगी फिर वो वैल्यूज़ जा आ जाएंगी और हमारा क्या हो जाएगा प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा जो भी वैल्यू हमारी आउटपुट आएगी जो भी यूज़र ने एलिमेंट्स एंटर किए होंगे वो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे प्रिंट हो जाएंगे इसका मतलब इन द अबव कोड इस कोड में क्या है वी हैव क्रिएटेड ए वेरिएबल ए आर आर ये ए आर आर हमने वेरिएबल क्रिएट किया एज एज स्टैटिक स्टैटिक किया इन गेट गैटेरे फंक्शन गेट एरे फंक्शन में ठीक है विच इज अवेलेबल थ्रू आउट द प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम में अवेलेबल है ठीक है दे आर फॉर दंक्शन गेट एरे जो फंक्शन है गेट एरे ये वाला जो फंक्शन है गेट एरे रिटर्न द एक्चुअल मेमरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल ए आर आर जो भी ए आर में वैल्यू स्टोर हुई है उसको उसकी जो एक्चुअल मेमरी जहाँ भी वो स्टोर हुई है उसको वो ये रिटर्न करेगा राइट और आपका जो भी आपने जो भी एलिमेंट सेंटर की हैं वो आपके प्रिंट हो जाएंगे राइट ये आउट आउट देखो आउटपुट अब आउटपुट आप देखोगे पहले क्या किया था एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे जो भी एलिमेंट्स हैं यूज़र ने डाल दिए ये जीरो पे वन पे ये टू पे ये थ्री पे, पे फिर ये फोर पे ये फाइव पे और ये सिक्स पे ज़ीरो से लेके सिक्स तक थे वो एंटर कर दिए फिर नेक्स्ट हमने फंक्शन uh, बनाया था जो हमारा मेन फंक्शन के अंदर थी प्रिंट करवाया था एलिमेंट्स दैट यू हैव एंटर डार जो भी ये हमने एलिमेंट्स किए थे वो यूज़र ने ये प्रिंट कर दिए तो ये हमने किसका कंसेप्ट आज सीखा स्टैटिक वेरिएबल का किसका uh, कंसेप्ट uh, सीखा स्टैटिक वेरिएबल इंट ए आर आर था उसका हमने कंसेप्ट uh, सीखा यूजिंग स्टैटिक एरे डायनामिकली एलोकेटेड हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं राइट right? अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है इस प्रोग्राम uh, uh, में तो वो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब uh, कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है और आप सिंपली सर्च कर सकते हो डी सी एस स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर जाके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करोगे सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको उधर ही मिलेंगी कब मैंने चैनल डाला है और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को ताकि वीडियोज़ के आने वाले न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें राइट अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू